अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर में पार्ट नंबर 5 में आज आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको मैंने 4 क्षेत्र बताए थे पिछले वीडियो में। एक तो था परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र है। अब 4 में से ये 2 क्षेत्र जो है इनसे मिलकर के ये आय का चक्रीय प्रवाह बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिवार क्षेत्र लेंगे और एक इधर लेंगे उत्पादक क्षेत्र या प्रोड्यूसर क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र क्या करेगा कि उत्पादक क्षेत्र को लेबर सप्लाई करेगा, यानी फैक्टर सोर्स जिसमें लेबर यानी श्रमिक जो है वो उत्पादक को देगा, तो जिससे उत्पादन होगा। और उत्पादन होने पर जो हाउस होल्ड सेक्टर है या परिवार क्षेत्र है या जो मजदूर है उनको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, कारक आय यानी मजदूरी मिलेगी। फिर वापस ये इधर फैक्टर सोर्सेज यानी लेबर देगा, इसको मजदूरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। तो ये एक चक्कर पूरा हुआ। फिर इनके बाद इसमें मजदूरी यानी आय इनको प्राप्त हुई तो ये उपभोग करेंगे। जो हाउस होल्ड या परिवार क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी आय में व्यय करेंगे, तो व्यय करने के लिए उपभोग व्यय यानी कंजप्शन वस्तुओं को खरीदेंगे, और वस्तुओं को खरीदने से व्यय करेंगे और वो पैसा जो है वो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर क्षेत्र में जाएगा। और प्रोड्यूसर क्षेत्र जो है वो परिवार क्षेत्र को क्या देंगे, वस्तुएं और सेवाएं देंगे। तो ये इस प्रकार से आय का एक चक्रीय प्रवाह है, या इसको वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं। तो इसमें 2 क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र और प्रोड्यूसर या उत्पादक क्षेत्र। अब इसमें कभी कभी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, तब ये 3 क्षेत्रों का प्रवाह हो जाएगा। अभी ये 2 क्षेत्र का प्रवाह है। अब हम बात करते हैं कि मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। ये जो आय का जो चक्रीय प्रवाह है इसमें 2 प्रकार का प्रवाह हो रहा है, एक तो मौद्रिक प्रवाह, एक वास्तविक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह जो है, एक तो जो मजदूरी मिल रही है मजदूरों को वो मौद्रिक प्रवाह है, और दूसरा उपभोग के लिए जो व्यय कर रहे हैं परिवार क्षेत्र वो मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। तो मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत 2 क्षेत्र हो गए, एक तो मजदूरी और दूसरा उपभोग व्यय। इसी प्रकार दूसरा जो है वो है वास्तविक प्रवाह, और वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं और सेवाएँ जो दी गई है परिवार क्षेत्र को, एक तो ये, और दूसरा जो लेबर परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को मिली है वो वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में कौन कौन से हैं, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा है मजदूरी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक कि हाउस होल्ड या परिवार क्षेत्र और प्रोड्यूसर यानी उत्पादक क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र है। तो प्रोड्यूसर क्षेत्र से हाउस होल्ड की तरफ पैसा जाता है और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ, इस प्रकार से ये चक्कर जो है वो चलता है। तो मान लीजिए प्रोड्यूसर क्षेत्र में से हाउस होल्ड में मजदूरी के रूप में मान लेते हैं कि 100 रुपये परिवार क्षेत्र को मिले, लेकिन ये 100 रुपये पूरे के पूरे खर्च नहीं करके कुछ राशि बचत के रूप में रख लेते हैं, जिसे हम यहाँ रिसाव या क्षरण के रूप में दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब है 100 रुपये यदि इनकम हुई या हाउस होल्ड को या परिवार क्षेत्र को, तो वो 10 रुपये बचत करके बाकी 90 रुपये वापस प्रोड्यूसर को देते हैं, फिर वही 90 रुपये वापस हाउस होल्ड के पास जाते हैं, तो इसमें से कुछ राशि और वो बचत कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो अर्थव्यवस्था में जितना भी पैसा है उसमें कुछ रिसाव होने लगता है, और इस रिसाव की भरपाई जो है वो गवर्नमेंट करती है, सब्सिडी है या लोन है या अलग अलग योजना के तहत, तो वो भरण करती है। तो इस चक्र के अंदर परिवार क्षेत्र और
उत्पादक क्षेत्र के अलावा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर वो भी इन्वॉल्व रहती है। तो इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में जहाँ भी रिसाव होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसका भरण किया जाता है।